प्रियो आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 20 पद। जी। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। जी मेरे प्रेम, देखते हैं यहाँ पे कि मूसा जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर, अपने बेटों को लेकर के मिस्र देश के लिए ये रवाना हो जाता। 80 साल की इसकी उम्र है, बुढ़ापे में है और अपने परिवार को लेकर के ये लौट रहा है। क्यों लौट रहा है? क्योंकि इसको परमेश्वर के लोगों को, इसको अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से रिहा करना है। मिस्र देश की गुलामी से रिहा करना एक बहुत बड़े साम्राज्य के अगेंस्ट जा रहा है, एक बहुत बड़ी सेना के अगेंस्ट जा रहा है, बड़े सामर्थी लोगों के अगेंस्ट में जा रहा है, एक माइटी इजिप्शियंस के अगेंस्ट है वो जा रहेगा अपने लोगों को रिहा करने के लिए। और कैसे जा रहा है? जा रहा है, उसकी पत्नी है, उसके लड़के उसके साथ में जा रहे हैं। और जाकर किसने जा रहे हैं कि अपने अपने लोगों को मिस्र से वो रिहा करने। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद में मूसा जो है वो फुर्सत से बैठे और वो सोचने लगे, मतलब क्या मैं वाकई जा पाऊंगा, क्या मैं वाकई लड़ सकता हूँ? मिस्र देश तो बड़ा सामर्थी देश है और वहां पे तो ऐसी बातें और वहां पे तो वैसी बातें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कमजोर हूँ और मैं कैसे इन कामों को करूंगा अकेला, मैं इतने बड़े साम्राज्य से कैसे लड़ूंगा? नहीं, मूसा जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के मिस्र देश को लौट रहा है। मूसा जो है अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के मिस्र देश लौट रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने लोगों को रिहा कर, उसको अपने लोगों को रिहा कराना है। मूसा, कौन सी ऐसी बात है कि तुम्हारे अंदर इतना विश्वास है कि तुम परमेश्वर की बात को सुन करके जा रहे हो? कौन सी बात तुमको इतना उत्साहित करी? कौन सी बात ने तुमको इतना इनकरेज किया है कि तुम जो अपना सब कुछ को छोड़ करके मिस्र देश जा रहे हो उस नामुमकिन सी चीज को करने के लिए, उस इम्पॉसिबल चीज को करने के लिए, उस इतनी इतनी बड़ी बात के लिए तुम वहां पे जा रहे हो? ऐसा कौन सा इनकरेजमेंट तुम्हारे पास में पिछले 40 साल मूसा के खामोशी में बीतने पाए, खामोशी में बीतने पाए? हम उसके जीवन में कोई बड़ी विशेष गवाही को नहीं देखते, हम उसके जीवन में किसी स्वर्गदूत को आते हुए नहीं देखते, हम ऐसा नहीं देखते कि कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर ने आके मूसा को लाया, नहीं मूसा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। हम 40 साल में हम कोई बड़ी गवाही को मूसा के जीवन में नहीं देखते, हम किसी स्वर्गदूत को आते हुए नहीं देखते, हम परमेश्वर को से बात करते हुए नहीं देखते, हम किसी विशेष चीज को मूसा के जीवन में नहीं देखते। जब मूसा पीछे मुड़ के देख रहा है, 40 ऐसे साल उसके बीत गए, वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था, वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था, वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था, परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था, प्रभु मेरे लोगों को आप आजाद करें। जब वो पीछे मुड़ के देखता है, उसको कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती जिसके ऊपर वो बैंक अकाउंट होकर के, जिसके ऊपर वो भरोसा करके वो आगे बढ़ने पाए। नहीं, मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए और मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। नहीं, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में परमेश्वर को अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हुए, मैंने गवाहियों को अपने मैंने देखा है, मैंने टीवी के ऊपर चीजों को देखा है, मैंने यूट्यूब के ऊपर चीजों को देखा है, मैंने अपनी कलीसिया में लोगों के जीवनों को बदलते हुए देखा, मैंने परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य कार्यों को देखा और मैं विश्वास करने के लिए कि हाँ प्रभु आप मेरे जीवन में भी एक विशेष काम को करेंगे। मूसा के पास में ऐसा कोई अनुभव नहीं है, मूसा के पास में ऐसा कोई अनुभव नहीं है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे खामोशी के इतने लंबे साल उसको नजर आते, खामोशी के इतने लंबे साल नजर आते। पर मेरे प्रभु, क्या ही खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात है, खामोशी के इन लंबे 40 सालों के बावजूद भी, खामोशी के इन लंबे 40 सालों के बावजूद भी मूसा इस बहुत बड़ी नामुमकिन सी चीज को करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर मूसा को स्टेप बाय स्टेप लेके गए, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा विश्वास करा करके, एक एग्जामिनेशन और दूसरा टेस्ट पास करा करके फिर बड़ी चीज के साथ में वो मूसा के पास में आते। नहीं, परमेश्वर एकदम से मूसा के पास में आते एक बहुत बड़ी नामुमकिन सी चीज को लेकर के। और मूसा, जिसका जीवन इतने सालों से एक खामोशी का जीवन था, मूसा तैयार है परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए, मूसा तैयार है परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए। कोई गवाही नहीं है,
कोई ऐसी विशेष बात हम नहीं देखते, स्वर्गदूत नहीं आ रहे, परमेश्वर आकर के उससे बात नहीं करे, कोई ऐसी भविष्यवाणी उसके जीवन में नहीं हो रही है, उन तमाम चीजों के बावजूद वो अनुभव जो मूसा को वहां पे जलती हुई झाड़ी के पास में होने पाया, उसको लेकर के मूसा आगे बढ़ रहा है, जरूर से दुष्ट ने मूसा के जीवन में भी कार्य करने की कोशिश की होगी। कैसी बेवकूफी कर रहे हो, जरूर से दुष्ट ने मूसा के जीवन में शक को पैदा करने की कोशिश की होगी, सवालों को पैदा करने की कोशिश की होगी और ये दिखाने की कोशिश की होगी, अरे ये कितनी नामुमकिन सी चीज है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुम याद करो, कुछ साल पहले तुमने कोशिश की थी और तुम नहीं कर पाए थे, अपनी जान को बचा के तुम कैसे भागे थे। जरूर से दुष्ट ने उसके जीवन में भी गड़बड़ी को पैदा करने की कोशिश की होगी। पर क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, हम मूसा को मिस्र की ओर रवाना होते हुए, हालेलुया, क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, हम उस नामुमकिन सी चीज के लिए हम देखते हैं कि मूसा अपने परिवार को लेकर के रवाना हो जाता है। नहीं, परमेश्वर ने कहा है और मैं तैयार हूँ, परमेश्वर ने कहा है और मैं तैयार हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हाँ और आमीन के परमेश्वर है, और जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा करने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। और कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि मूसा मिस्र देश की ओर रवाना हो जाता है, अपने परिवार को लेकर के, अपने सब कुछ को लेकर के वो रवाना हो जाता है, इस विश्वास में कि यस परमेश्वर आप इस काम को कर देंगे, आप इस काम को कर देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आज के इस संदेश के द्वारा। हो सकता है आपके कुछ सपने हो, हो सकता है आपकी कुछ ख्वाहिश हो, कुछ डिजायर हो आपकी, हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ संघर्ष हो सकता है आपकी जिंदगी के कुछ बैटल्स हो, कुछ युद्ध हो, बहुत सी चीजों ने आपको निराशा में ढकेल दिया, बहुत सी बातों ने आपको दुख में ढकेल दिया, और हो सकता है कि आप अपने जीवन की बातों से कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए हो, हो सकता है कि आप समझौते करके बैठ गए हो, नहीं ये तो नामुमकिन है, नहीं ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन है, ये तो संभव है और ये मुझे नहीं मिल पाएगा, ये काम मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा। वो सकता है आपने समझौते कर लियो और आप बैठ गए हो, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो सकता है कि आपको कोई आशा नजर नहीं आती हो। पर मेरे प्रियो, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आप आगे बढ़े परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, आप आगे बढ़े, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और आप ठहरे मूसा के तरीके से, प्रभु मेरे सपने, प्रभु मैं ये चाहता हूँ, प्रभु मेरे स्ट्रगल्स, प्रभु मेरे डिजायर्स, प्रभु मेरे युद्ध, मेरे बैटल्स, मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप हस्तक्षेप करें और इन नामुमकिन की चीजों को आप मेरे लिए मुमकिन करें, आप मुमकिन करें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मिस्र देश की ओर रवाना होने पाए, आप मिस्र देश की ओर, आप अपने सपनों की ओर, आप अपने डिजायर्स की ओर, आप अपनी कामयाबी की ओर, आप अपनी विजय की ओर, आप अपनी शांति की ओर, आप अपनी खुशी की ओर, आप अपने छुटकारे की ओर, आप अपनी चंगाई की ओर आप रवाना होने पाए, बैग अपने सामान को आप पैक करें और आप उस डायरेक्शन में मूव करें जहां पे विजय आपका इंतजार कर रही है, जहां पे विजय आपका इंतजार कर रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में एक स्त्री है, उसको लहू बहने की बीमारी थी, बहुत साल उसने बहुत कुछ किया और जो कुछ उसने किया वो सब फेल हो गया, अब उसके पास में कुछ बाकी नहीं बचा। जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसने राज्य को किया, नहीं मेरे पास में एक मौका है और ये पक्का मौका है, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके अंदर ये भरोसा था, उसके अंदर ये विश्वास था। और मेरे प्रियो, इस विश्वास के साथ में वो स्त्री आती है, यीशु के वस्त्र को छूती है और अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपने विजय को, अपने आनंद को, अपने उत्साह को वो वापस लेके यीशु के पास जाती है। 12 साल से जो कुछ उसने किया था सब फेल हो गया था, पर मेरे प्रियो वो निराशा में नहीं गई, यीशु के बारे में सुन करके वो यीशु के पीछे
भीड़ में यीशु के पीछे आती है और यीशु के वस्त्र को छू करके अपने चमत्कार को, अपने उद्धार को, अपनी चंगाई को, अपनी शांति को, अपनी विजय को लेकर के वहां से जाती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कितनी खूबसूरत बात है। मूसा अपने परिवार को लेकर के मिस्र देश के लिए रवाना हो गया। मूसा अपने परिवार को लेकर के मिस्र देश के लिए रवाना हो गया, उन बातों के लिए जिन चीजों के लिए उसने इतने साल प्रार्थना की थी, जिन बातों के लिए उसने इतने साल प्रार्थना की थी, उन चीजों के लिए रवाना हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस मौसम में हम चल रहे हैं, ये मौसम अंकुरित होने का समय है, ये मौसम अंकुरित होने का समय है। जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना की है, जो बीज आपने बोए है इतने साल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो समय है कि वो अंकुरित होने पाए, वो बीज अंकुरित होने पाए। जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना की है, ये वो समय है कि आपको प्रतिफल मिलने पाए और आप परिवर्तन को प्राप्त करने पाए। दुख आपको तोड़ने नहीं पाए, निराशा आपको तोड़ने नहीं पाए, यीशु की क्रूस की ओर देखें और आप कहें, यस ये संभव है, यस ये संभव है। वापस जाए मिस्र की ओर, अपने सपनों की ओर वापस जाए, अपनी विजय को वापस लेके आए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप हमको अपने उत्तम लोगों के उन जीवनों के द्वारा हमको आप उत्साहित करते चले आए हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करना चाहते, हम सब की सहायता करें पिता परमेश्वर। हमने अविश्वास के कारण, शकों के कारण, समस्याओं के कारण, वो आत्मिक रीति से चलने के बजाय शारीरिक रीति से हम चले, आप पे वचन पे मन ना लगाने के कारण हमने बहुत सारी अपनी ख्वाहिशों को छोड़ दिया प्रभु जी। हमने अविश्वास के द्वारा अपने चमत्कारों को नहीं पाया है प्रभु जी, पर आज हम प्रार्थना करना चाहते हमारे सारे प्रियों की, हम सब की मदद करें पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, ओ पिता परमेश्वर आपकी इच्छा है कि हमारे जीवन में बड़े काम आपके प्रकट होने पाए प्रभु जी, कि हम आपकी उस आज्ञाकारिता में हम बढ़ चले ताकि हमारी सारी चीजें हमारे जीवन की पूरी हो सके पिता। आप चाहते हैं कि अपने जीवन में हम अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें पिता, मदद करें आपके विश्वास में सही कदम उठाने के लिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रत्येक लोगों की सहायता करें। प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।